वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वाई फाइ स्टडी इंडिया वन स्टडी चैनल सो फाइनली रात के बज चुके हैं दस और हम हाजिर हैं आई <laughs> होप आप लोग बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल परफेक्ट हों बिल्कुल एक्सलेंट हो सब कुछ बढ़िया हो एंड यस yes, आज में थोड़ा फिट नहीं था लेकिन वी हैव टू काम करना है आगे चलना है ओके, ज्यादा लोग आए नहीं अभी क्या करूं छुट्टी कर दू सबसे पहला अनाउंसमेंट तो दिस इज द सेकंड पार्ट इसका थर्ड पार्ट मेरे को लाना पड़ेगा ठीक है मैं सोच रहा था कि ज्यादा कंटेंट इसमें डाल दूं बट कंटेंट कई बार ज्यादा करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जो मैं बार बार कहता हूं कि क्वालिटी और क्वांटिटी का हमेशा मेरा युद्ध चलता है कि मैं क्वांटिटी के साथ जाऊं या क्वालिटी के साथ जाऊं एंड कोशिश हमेशा ये रहती है कि क्वालिटी रखी जाए ठीक है नमस्कार सर आज का टेस्ट बहुत अच्छा रहा था। <laughs> हाँ सुनील जी हम कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट ज्यादा लिए जाए क्योंकि आज बच्चों को बड़ा मजा आया और <laughs> बच्चों से ज्यादा मुझे मजा आ रहा था <laughs> मुझे बड़ा मजा आता टेस्ट लेने में ठीक है ना ऐसा लगता है मैं केबीसी में अमिताभ बच्चन बन गया कुछ देर के लिए चलो लेट्स बिगिन ओके गाइस अगर अभी आप लोगों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपके लिए अनाउंसमेंट है पांच दिसंबर से हिस्ट्री ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है सो गेट रेडी फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल एथिक्स ऑलरेडी चल रहा है प्लस पे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो करा रहे हैं इस कोड को इस्तेमाल करने से गाइडेंस मेरी मिलेगी मेरी प्रॉपर गाइडेंस होगी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज ये नहीं है कि क्या पढ़ना है पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किस कंटेंट को छोड़ू किस कंटेंट को स्मार्टली पढ़ू ये सारी चीजें बहुत ही कम लोगों को पता है कि किस किताब में से कितना पढ़ के कितना छोड़ना है तो ये सारी गाइडेंस आप लोगों के पास रहेगी साहिल वन कोर्स से टेन परसेंट डिस्काउंट मिलता है वो अलग ठीक है ना मेरी गाइडेंस है साथ में वो आपके लिए रहेगी चलो जीएस पेपर वन में क्या न्यूज है सबसे पहले जीएस पेपर वन की जो हमारी न्यूज है वो है सारना रिलीजन ये एक धर्म है आप कहोगे ये भी हमारे भारत में ऑलरेडी धर्मों की कमी थी एक और आ गया जी हाँ हमारे शायद कोई कमी रह गई थी तभी हम एक और उठा के लाए सरना धर्म पे है क्यों न्यूज में है क्या कॉन्सेप्ट है सबसे पहली चीज झारखंड गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया सेंटर को एक लेटर लिखा झारखंड की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक खत लिखा और उसमें रिक्वेस्ट करी उसमें रिक्वेस्ट करी कि सरना रिलीजन को हम एक सेपरेट कोड दें एक अलग से पहचान दें किसमें में 2021 की जो जनगणना होगी सेंसस होगा उसमें कहने का मतलब है अपने लिए एक अलग पहचान की डिमांड कर रहे हैं सरना धर्म के लोग ये क्या है कैसे है ऐसे जरा सा देखते हैं ये बेसिकली एक धर्म है जो कि झारखंड के क्षेत्र में ज्यादा मिल रहा है ठीक है ये नेचर की पूजा करते हैं यानी कि कोई भगवान से इनका धर्म नहीं है इनका धर्म नेचर से है ये जल जंगल जमीन इनकी पूजा करते हैं इवन पेड़ों की पहाड़ों की ठीक है जंगल और पेड़ों को सुरक्षा भी देते हैं क्योंकि ये इनके लिए भगवान है जैसे हम अपने भगवान के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ये भी लड़ लेते हैं तो कहने का मतलब है कि नेचर की पूजा करते हैं झारखंड में मिलते हैं। इस समय इशू क्या है क्या ऐसा कारण आ पड़ा कि ये लोग कह रहे हैं कि भैया हमें अलग से पहचान चाहिए क्या ऐसे कारण आ गया कि इन्हें लगता है कि नहीं नहीं हमें एक अलग से पहचान की आवश्यकता है सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज कि जो पुराने जमाने से इस धर्म के लोग थे ये क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए ठीक है कन्वर्ट होने के पीछे बतेरे कारण है यानी कि कन्वर्ट्स होने के पीछे बतेरे कारण है कि इन्हें छोटा समझा जा रहा था ट्राइब समझा जा रहा था तो कई बार ये कन्वर्ट हो जाते हैं समाज में अपनी डिग्निटी और इज्जत बढ़ाने के लिए लेकिन हुआ क्या सरकार बहुत सारे लाभ भी देती है उस लाभ से कुछ लोग वंचित हो गए यानी कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो कुछ बेनिफिट्स मिले जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो जरूरत है इस धर्म को एक अलग से पहचान मिले एक अलग से आइडेंटिटी मिले और जब इसे अलग से आइडेंटिटी मिलेगी तो इसके लोगों को कन्वर्ट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यानी कि लोगों को कन्वर्ट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जब ये लोग कन्वर्ट नहीं होंगे जब ये लोग कन्वर्ट नहीं होंगे तो इनको पूरा लाभ ये लोग उठा सकते हैं तो ये एक स्थिति हमें देखने को मिल रही है सेपरेट कोड क्या होता है सेपरेट कोड ये होता है कि भैया इनकी अलग से पहचान यानी कि आप census में इनका अलग से नाम लिखेंगे कि अच्छा आपका कौन सा रिलीजन है आप अलग से पहचान मांग रहे ठीक है आप इनके पॉपुलेशन का पर्टिकुलर रिकॉर्ड मांग रहे हैं। होता क्या है कोई व्यक्ति है दूसरे स्टेट में चला गया दूसरे राज्य में काम करने चला गया उसका रिकॉर्ड ही नहीं है तो जिससे क्या होता है इसकी गिनती कम दिखती है इनकी गिनती कम दिखती है सरकार फिर इन्हें लाइटली लेती है देखो जो गिनती में कम होगा सरकार उसे हमेशा लाइटली लेगा तो कहने का मतलब है कि ये धर्म अपनी एक पहचान चाहता है एक आइडेंटिटी चाहता है उसके बाद में वापस आऊ हाँ, आप लोग क्यों इतना परेशान हुआ जो भी लोग परेशान है कि टेस्ट अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं कोई बात नहीं दुनिया में सारे टेस्ट आप इन टेस्ट से नहीं सिलेक्ट होंगे ये टेस्ट तो सिर्फ आपको एक आईना दिखाते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है हमें पढ़ना है हमें कुछ करना है ठीक है आपको यूपीएससी ही सिलेक्शन दिलाए कोई ऐसी चीज नहीं है छोटी छोटी चीजों से परेशान मत हो करते जाओ ठीक है ना बस ये कोशिश करो कि इस चीज को समझो कि क्यों नहीं मार्क्स अच्छे है मैं आगे क्या करूं क्या मैं दिन में एक घंटा रिवीजन कर रहा हूं मैंने सब्जेक्ट पढ़ा मैं हर ओके गाइस आई थिंक आई एम बैक है ना मैं आ गया ना <laughs> ओके okay, मैं मजाक में कह रहा था कि अगर तुम्हें रात को क्लास नहीं लेनी थी मुझे बता देते मैं चला जाता वो सही में बंद हो गया <laughs> वो सही में बंद हो गया चलो चलो फाइनली आ गए दोबारा से इस वाली न्यूज को देख लेते हैं निमोनिया और डायरिया वाली ओके ये जो न्यूज है निमोनिया और डायरिया वाली क्या न्यूज है इसे देखते हैं रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज हुई बाय इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर जो कि यूएस की एक बॉडी है यहां से ये रिपोर्ट आती है ये देखती है ये देखती है कि दस की यानी कि दस चीजों में देखा जाता है कौन सा देश कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है उसमें आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान वैक्सीनेशन टीके देना एक्सेस टू केयर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ओ आर एस जिंक सप्लीमेंटेशन ये सारी चीजें देखी जाती है यानी कि क्या ये सारी फैसिलिटीज मुहैया कराई जा रही हैं लोगों को या नहीं भारत की इसमें परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है नब्बे प्रतिशत कवरेज मिल रहा है भारत के लोगों को यह अच्छी चीज है अगर मैं निमोनिया की बात करूं निमोनिया क्या है एक इंफेक्शन है लंग्स में या तो एक लंग में होता है या दो लंग में होता है देखो ये हमारे लंग्स हैं फेफड़े हैं और यहां पर एक जेल तरीके का बन जाता है यहाँ पे एक जेल तरीके का बॉडी में जमा हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से क्या होता है इंसान को खांसी सांस लेने में दिक्कत ये सारी चीजें होती है यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर सेक्स इन लंग्स यानी कि हवा फंसने लग जाती है और एक फ्लूइड सा बन जाता है जिसके वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है ठीक है इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं लाइक like वायरस हो सकता है बैक्टीरिया फंजाई ये सारे इसके कारण हो सकते हैं सो निमोनिया अरे ये फोटो के पीछे नजर ही नहीं आ रहा ठीक है हां ऐसे मैंने डिजाइन दे रखा है कि ये वाले हिस्से में फ्लूड जम जाता है चलो आगे चलते हैं ठीक है बहुत से सेक्टर्स अरे यार ये उल्टा कैसे हो गया ये उल्टा हो गया चलो ये पढ़ते हैं गवर्नमेंट टू रेगुलेट ओ ये अभी हमने रिसेंटली देखा था याद करो हिंदू में हमने पढ़ा था कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है ये कह रही है कि जितने भी वीडियो स्ट्रीमिंग है ओवर द टॉप ओवर द टॉप मतलब जो भी ऑनलाइन डायरेक्टली पब्लिक तक पहुंच रही है न्यूज उसे हम रेगुलेट करेंगे हमने इस पर भी था कि कहीं कहीं ना ना राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह पे कोई ना कोई ताला लगाना है तो जरा देखते हैं ओ टी प्लेटफॉर्म क्या होता है ये हमने वहां नहीं पढ़ा था ओ टी प्लेटफॉर्म क्या होता है ओटी टी प्लेटफॉर्म एक स्ट्रीमिंग मीडिया है एक मीडिया है जो स्ट्रीम कर रहा है जैसे अभी मैं आपके सामने स्ट्रीम कर रहा हूं यानी कि मैं आपको दिख रहा हूं यानी कि आपको दर्शन दिए जा रहे हैं किसी चीज के थ्रू यानी कि स्ट्रीमिंग हो रही है डायरेक्टली पब्लिक के पास यानी कि व्यूअर्स के पास इंटरनेट की मदद से इंटरनेट की मदद से इसके बेहतरीन एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स Amazon Prime, Hotstar और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। अब आपको जरा ये देखो आपने कई बार सोचा होगा कि हमारी मूवीज में गालियां अलाउ नहीं होती हैं। बहुत ही रेयर कोई बॉलीवुड मूवी होगी जिसमें आपने गालियां सुनी होंगी ठीक है लेकिन वेब सीरीज में आपको ईजिली गालियां मिल जाती है ऐसा क्यों इसमें काफी ऐसे होते हैं जो नहीं होने चाहिए लेकिन होते हैं कई बार ब्लड भी बहुत ओपन दिखाया जाता है क्यों क्योंकि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है कोई रेगुलेशन नहीं है यानी कि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि रेगुलेशन की आवश्यकता तो है ठीक है लेकिन क्या न्यूज के लिए है यह सोचने वाली चीज है अगर इस समय की बात करें देर इज नो लॉ कोई ऐसा कानून नहीं है और कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो इस कंटेंट को गवर्न कर रही हो यानी कि इस कंटेंट को देख रही हो अच्छे से मैनेज कर रही हो ऐसी कोई बॉडी नहीं सो गवर्नमेंट so, हमारी सोच रही है कि हम ओ टी टी को आई मिनिस्ट्री के अंडर में ले आए यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में ले आए ताकि हम थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव डाल सके जो गलत चीजें कई बार आ जाती हैं जो ऐसे सीन्स हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है कई बार ऐसे खून वाले सीन दिखाए जाते हैं जो कि बहुत डेंजरस होते हैं तो ये चीज अच्छी बात नहीं है तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है अनदर इम्पोर्टेंट वेरियस सेक्टर्स एंड रेगुलेटिंग बॉडीज और कौन कौन से हमारे सेक्टर्स हैं और उनकी कौन कौन सी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं ये भी हम देख लेते हैं यानी कि हमारी कौन कौन सी बॉडीज को कौन कौन सी सेक्टर्स uh, रेगुलेट कर रहे हैं देखो प्रिंट मीडिया यानी न्यूज पेपर वगैरा को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसे याद रखना अनदर इंपोर्टेंट थिंग टेलीविजन टेलीविजन को कौन कौन रेगुलेट कर रहा है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ये न्यूज चैनल को करती है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये आपको मेंस के लिए याद रखना है कि अधिकतर बॉडी खुद को खुद से रेगुलेट कर रही है उसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये हमने उस दिन भी पढ़ा था गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है ठीक है अगर आप चाहते हो कि रेगुलेट हो तो अलग से एक बॉडी बना दो ठीक है सेटअप बाय से सेट किया था न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने ठीक है और क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर जो कि 2008 में सेटअप हुआ था एंड ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेन काउंसिल इसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं कई बार आप देखा आ रहा होगा किसी सीरियल कोई भी वैसे माइथोलॉजिकल सीरियल आता है तो उसके नीचे लिखा होता है इस सीरियल का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं यदि आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं ठीक है फिल्म्स यानी कि बॉलीवुड हमारा इसके लिए आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आपने कई बार मूवी के आगे दिखा होगा यू लिखा होता है कई बार ए लिखा होता है कई बार केवल ए लिखा होता है या केवल यू लिखा होता है यानी कि कहने का मतलब है ये पहले मूवी देखते हैं फिर ये निर्धारित करते हैं कि ये मूवी कौन से लोग देख सकते हैं किसे हम इजाजत दे सकते हैं सो कहने का मतलब है फिल्मों के लिए भी अलग बॉडी है एडवर्टाइजमेंट के लिए भी अलग बॉडी जिसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है यानी कि आपको सारी बॉडीज एक ही जगह पे मिल गई है जो न्यूज में आ, एडिटोरियल में कवर नहीं होता वो मैं यहां पे नजर रखता हूं सो वी कैन चलो ये हमारा सब कल हो गया था आज यानी कि जीएसथी की न्यूज ज्यादा है ओके okay, सबसे पहली न्यूज है पोपा लंगूर. <laughs> ये क्या है पोपा लंगूर पहले तो ये बहुत क्यूट है यार <laughs> नहीं है ना ये बहुत क्यूट है मेरे को बड़ा प्यारा लगा ये अभी रिसेंटली ये म्यांमार में पाया गया रिसेंटली म्यांमार में साइंटिस्ट ने इसे ढूंढ के निकाला पोपा लंगूर कहा से जंगलों से म्यांमार बिल्कुल न्यूली डिस्कवर्ड है बिल्कुल नया नया अभी पाया है ये तो इसे आप घर पे ला सकते हो खेल सकते हो जो करना चाहो ठीक है आप क्या करोगे मतलब खेल ही सकते हो उसके साथ ओके नेम्ड आफ्टर किसके नाम पे इसे रखा गया इसका नाम रखा गया एक वॉलकैनो पे यानी एक ज्वालामुखी माउंट पोपा पे जो कि अब नहीं है अब लुप्त हो चुका है ठीक है ना अब लुप्त हो चुका है हाँ ये मेरी फोटो के ऊपर बैठा हुआ है <laughs> मेरे ऊपर दिख रहा है ओके <laughs> okay. ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये मिल तो गया और ये कहा जा रहा है कि इसकी गिनती 200 से कम है यानी कि 200 से कम है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है लेकिन पोपा ये जगह न्यूज में आई है ये लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जरा देख लेते हैं माउंट पोपा ये बड़ी खूबसूरत सी आप एक तस्वीर देख रहे हो एक पहाड़ के ऊपर जाके एक छोटी सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी हुई है ये म्यांमार की तस्वीर है ठीक है ये ज्वालामुखी है जो अब लुप्त हो चुकी है यानी कि अब नहीं है ये तो अब इसके ऊपर एक मोनेस्ट्री बना दी है यानी कि ये एक्सटिंक्ट वॉल्कैनो है जो कि 1518 मीटर ऊपर है समुद्री की लेवल से तो काफी अच्छा है अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कहाँ पे है सेंट्रल म्यांमार में मैंडले रीजन में है इसका नाम है पोपा पोपा नाम रखा गया था एक फूल के नाम पे वो फूल का नाम है पुष्पा ए पुष्पा ठीक है <laughs> नहीं पोपा पुष्पा वाला नहीं है पुपा है ठीक है पुपा तो पूपा के नाम पे रखा गया था पोपा और वैसे शायद यही है जो पुष्पा है हमारे इंडिया में शायद नॉट श्योर sure. ठीक है द मेन मेन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का का अगर की की बात करूं तो ये बसाल्त और का बना हुआ है इतनी ज्यादा डिटेल में जाने जरूरत नहीं है लेकिन विकीपीडिया पे मिलती है तो लिखने में क्या दिक्कत है <laughs> ठीक है सब मैंने लिख दी है <laughs> सो कहने का मतलब है इतनी डिटेल में नहीं ऊपर के दो पॉइंट ठीक है नीचे वाला मत याद करना फोटो बड़ी सुंदर है यहाँ घूमने जरूर जाना इसके लिए काफी सारी सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी इसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी है सीढ़ियों से चढ़ के आप ऊपर जाएंगे और मजा आएगा नाउ ऑपरेशन थंडर ऑपरेशन थंडर 2020। ये ऑपरेशन थंडर क्या ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था बहुत पहले मतलब साल सवा साल पहले भी पढ़ा था ऑपरेशन थंडर इसके तहत हम एक तरीके से स्मगलिंग रोकते हैं स्मगलिंग रोकते हैं और अभी रिसेंटली रिसेंटली हमारे इंडिया के कस्टम डिपार्टमेंट ने हमारे इंडिया के कस्टम डिपार्टमेंट ने 18 टन 18 टन रेड लाल वुड जो लकड़ी थी वो स्मगल करके जा रही थी यूएई उसे रोका ऑपरेशन थंडर के तहत यानी कि हमारे यहां से लकड़ियों को स्मगल किया जा रहा था ये उसे रोका है ठीक है इसे कोऑर्डिनेट किसने किया इंटरपोल जो कि पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पुलिस एजेंसी मानी जाती है एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों ने किया है ठीक है और क्या क्या है ये ऑपरेशन किसके अगेंस्ट है यानी कि एनवायरमेंट क्राइम के अगेंस्ट है ये याद रखना अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा इस पर फोकस करेगा कि ऑपरेशन थंडर किसके लिए था अगेंस्ट द एनवायरमेंट क्राइम यानी कि पर्यावरण अगर आप कोई अपराध करते हैं यानी किसी पेड़ की लकड़ी काटना किसी जानवर का या कुछ भी तो इसमें आप ऑपरेशन थंडर के तहत पकड़े गए तो भैया पकड़े गए और क्या क्या है इसका काम है प्रोटेक्टेड द वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्री ठीक है प्रोडक्ट्स अरेस्ट करता है इन्वेस्टिगेशन करता है पूरे विश्व में पूरे विश्व में तो ये है ऑपरेशन थंडर की क्षमता और क्या क्या चीजें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी हैं पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का बेसिकली जो काम है कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज का उसे रोका जाए यानी कि क्या होता है जानवरों को बेच देते हैं पेड़ों की डैलियां बेच देते हैं ये सारा काम तो ये कोई नई बात नहीं है ये फोर्थ है इसकी शुरुआत हुई थी 2017 से सत्रह मैंने कहा मैंने दो साल के पहले कहीं पढ़ा था तो 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी अभी तो इसका यानी कि ऑपरेशन थंडर कोई नई चीज नहीं है तो 2020 भले ही आगे लिखा है लेकिन कोई नई चीज नहीं है 2017 से ये लागू है हमारी तबियत काफी खराब है वो बोलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है आई <coughs> होप सब सही रहे <laughs> डर लग जाता है आजकल ओके स्ट्रिप्ट बबल नेस्ट ने स्ट्रिप बबल ये मेरे सिर पे मैंडक बैठ गया ये पेड़ों वाला मैंडक है इसे अभी पकड़ के लाए इतना ये आ, इतना है, कहा जाता है कि इसके पानी जैसा है साइंटिस्ट है। है, ने, ने इसे भी ढूंढ के निकाला अंडमान आईलैंड से अंडमान के आईलैंड से यह मिला है साइंटिस्ट ने इसे ढूंढ के निकाला है जिससे हम कहते हैं नाम याद रखना और जगह याद रखना प्लीज अंडमान आईलैंड ओके ये ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग को बिलोंग करता है यानी कि पेड़ों में रहने वाले जो मेंढक होते हैं उन्हें बिलोंग करता है और इसका फैमिली है रहा ये नाम याद रखना फर्स्ट रिपोर्ट इस ठीक है ना इसका हमें सबसे पहले रिपोर्ट कहां से मिलती है अंडमान आइलैंड से यानी कि पता चलता है ये अंडमान आइलैंड में देखने को मिलता है फीचर्स क्या है इसके बहुत छोटा सा होता है स्लैंडर बॉडी होती है यानी कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट टाइप बॉडी होती है इसे एशियन ग्रास फ्रॉग भी कहा जाता है लाइट ग्रीन कलर का होता है और अंडे वगैरह देता है सो अबाउट द फीचर्स आज मैंने नेचर की न्यूज इसको ज्यादा ही निकाली है ठीक है सो so, ये चीज है नाउ हैदरपुर वेटलैंड वेटलैंड क्या यार वेटलैंड बहुत है हमारे देश में ये अभी रामसर में नहीं आया है पहली चीज तो ये रामसर में नहीं आया है लेकिन सरकारों की कोशिश है कि ये रामसर में आ जाए सरकार की कोशिश है कि ये रामसर में आ जाए यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार साथ में मिलकर काफी सारे कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोशिश कर रही है हैदरपुर वेटलैंड को इंप्रूव किया जाए ताकि ये रामसर साइट में आ सके हैदरपुर वेटलैंड है कहा हस्तिनापुर लाइफ सेंचुरी बॉस हस्तिनापुर महाभारत वाला शहर ठीक है यानी कि उत्तर प्रदेश में है और हस्तिनापुर बहुत बड़ा क्षेत्र है हस्तिनापुर के अंदर कौन से पांच शहर आते हैं ये आपका होमवर्क ऐसे देखना कि आज के समय पे हस्तिनापुर के अंदर कौन से पांच शहर आते हैं ठीक है और क्या है वेटलैंड स्पेड बाय इस वेटलैंड में कौन सी नदियों का पानी आ रहा है गंगा और सलोनी नदी चलो हैदरपुर वेटलैंड की और आगे बात करें यहां पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलती है सर्दियों में विंटर्स में इसको मैं काफी डिटेल में पढ़ के बैठा हूं विंटर्स में यहां पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती है जो पलायन करती है इधर से उधर उधर से इधर जब सर्दियां होती है तो भारत आ जाती है जब भारत में गर्मी होती है तो कहीं और चली जाती है जिसमें है ग्रेले गूज ये जो मेरे ऊपर दिख रहा है ना मेरे सिर पर बैठा हुआ ग्रेले गूज ये है ठीक है हैदरपुर वेटलैंड का नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यूपीएससी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाएगा प्री में तो ये स्टेटमेंट नहीं छोड़ेगा ये नमामी गंगे के अंदर भी आता है नमामी गंगे प्रोग्राम के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है ये उसके अंदर आता है उसके तहत आता है तो इसका नाम आप याद रखें नेक्स्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है बहुत से ये बॉडी है रिसेंटली न्यूज़ न्यूज़ में में थी तो न्यूज में जो थी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन इस बॉडी को रिवाइज करना है इसको गवर्नमेंटल फोरम साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशन यानी कि न्यूक्लियर फील्ड में जो भी डेवलपमेंट वगैरह होता है चेक होता है वो ये बॉडी करती है इसका टारगेट है कि सेफ सिक्योर और पीसफुल के लिए ही न्यूक्लियर यूज हो यानी कि एक तरीके से ऑटोनॉमस है इसके पास पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है अपने लिए निर्णय लेने की अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इसका हेडक्वार्टर कहा है वियाना मेंबर एक इंडिया इसका मेंबर है उन्नीस सत्तावन कहते हैं ना हाँ उन्नीस सौ सत्तावन से और बोर्ड ऑफ मेंबर्स की अगर बात करूं तो बाईस इसके मेंबर में जो कि जनरल कॉन्फ्रेंस यानी कि एक मीटिंग के तहत होते हैं ग्यारह हैं और दो साल का टर्म होता है ग्यारह मेंबर हर साल बनाए जाते हैं दो साल का टर्म होता है इस चीज को याद रखना ठीक है ना आपके पास पीडीएफ अवेलेबल आ जाएगी कल या जा परसों से ही मैं आपका अरेंजमेंट कर रहा हूं पीडीएफ का क्या हुआ क्यों परेशान हूं सर uh, आपकी तबियत ठीक नहीं रही है अरे थोड़ा सा ही है बस इसके बाद आई थिंक खत्म ही है दो तीन न्यूज ही है ज्यादा नहीं है थर्ड पार्ट के लिए मैंने रखा है चिंता ना करो ठीक है इतने वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है दैट यू गाइस केयर फॉर मी बट कोई ऐसी टेंशन वाली चीज नहीं है आप लोग बस कवर कर रहे हैं ठीक है ना दो या तीन न्यूज है इसमें बस एंड कर रहे हैं यार ओके आई एन एस वजीर आई एन एस वजीर क्या है ये रिसेंटली रिसेंटली फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कि प्रोजेक्ट पिछहत्तर के अंदर आती है इसका नाम है वजीर ये मुंबई मेजागॉन डॉक से लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे अभी हमें और भी चीज देख रहे हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ये एक सिक्स कलवारी क्लास सबमरीन है जिसे इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के अंदर बनाया गया है ठीक है डिजाइन किया गया है फ्रेंच नेवल एंड डिफेंस एनर्जी जिसका नाम है डीसीएनएस इन्होंने इसे डिजाइन किया है मैन्युफैक्चर्ड बाय मेजागॉन डॉक इंडिया में मुंबई में इसे मैन्युफैक्चर किया बड़ी सुंदर सी लग रही है फोटो में मुझे बड़ा शौक होता है मैं ऐसी जगह घूमने जाऊं इसका जो नाम रखा गया है वो एक रेत वाली मछली के ऊपर रखा गया जिसका नाम था वागीर ठीक है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी सबमरीन को यूज किया जा सकता है बहुत सारी चीजों के लिए इसके अंदर फीचर्स हैं यानी कि ये पकड़ में नहीं आती है रेडिएटेड में इसकी आवाज नहीं आती ये इसके है ये सारी अंदर इसके टाइप क्या है ये एंटी सरफेस वॉरफेयर यानी कि काफी सारे युद्धों में आगे जा सकती है एंटी सबमरीन को झेल सकती है इंटेलिजेंस में हमारी मदद कर सकती है माइन्स लगाने में समुद्र के नीचे हमारी मदद कर सकती है और एरिया को सर्विलेंस यानी कि पूरी निगरानी रखने में भी हमारी मदद कर सकती है इसके बारे में अब आपको याद आ जाएगा आई प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है जिसका काम था सिक्स स्कॉर्पिन बनाने का जिसमें हमने आई एन एस कलवारी पढ़ा था ठीक है खंदेरी पढ़ा था करंज पढ़ा था आइंसविलार एंड वाकशीर ये सारे नाम आपने पहले भी पढ़े हुए हैं याद नहीं आ रहा तो रिवाइज करना ये मेरे को नहीं पता कि कौन सी वीडियो मैंने पढ़ा है बट मैंने पढ़ाया है ठीक है मुझे इतना याद है नाउ नेक्स्ट स्पेस एक्स नासा क्रू मिशन इसका एन का ओके स्पेस एक्स नासा क्रू वन मिशन ये क्या है अभी रिसेंटली ये भैया बिल्कुल रेडी है उड़ने के लिए फ्लोरिडा से बिल्कुल रेडी है इस मिशन के तहत चार बंदों का क्रू चार लोगों का क्रू जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छह महीने ऊपर रहेगा स्पेस में ठीक है स्पेस की एक बड़ी अच्छी पिक्चर है देखना मार्शियन सबके लिए है ये सजेशन मार्शियन ये आई थिंक यूट्यूब पे भी है और हिंदी में भी है बड़ी खूबसूरत मूवी है देखना कभी फ्री टाइम मिले यूपीएससी से थोड़ी फुर्सत मिले अच्छी पिक्चर है ठीक है मार्शियन मार्स के नाम पर है ओके वापस इस पे आते हैं तो चार लोगों का क्रू भेजा जाएगा ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में छह महीने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये क्रू क्या करेगा ऊपर रहकर हमें बहुत सारी चीजों से मदद करेगा जरा देखते हैं क्या मदद करेगा ये जो क्रू वन है हमारा ये जॉइंट मेंबर होंगे ऊपर जाके 64 मेंबर्स के साथ और मिलेगा और माइक्रो ग्रेविटी स्टडी करेगा छोटी से छोटी चीजों की स्टडी करेगा एस्ट्रोनॉट कलेक्ट करेंगे सैंपल्स और नीचे आके डेटा देंगे नीचे आके डेटा देंगे अपना सैंपल्स पूरा कलेक्ट करके अनदर थिंग विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ यानी कि इम्यून फंक्शन ऊपर किस तरीके से फंक्शन कर रहा है ये भी चीजों को फोकस करेंगे यानी कि स्पेस में इम्यून सिस्टम देखो इम्यून सिस्टम इस समय बहुत बड़ा न्यूज में आया कोविड के वजह से सो so, इन्हों ने भी इम्यून सिस्टम को टारगेट किया कि हम वहां तक अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने की कोशिश करेंगे बच्चों को फिक्र हो रही थी और देखो खत्म हो गया ये सारी न्यूज हम कल कर चुके थे जितनी है वो आज हो गई है इसका थर्ड पार्ट में लाऊंगा ठीक है अगर थर्ड पार्ट यूट्यूब पे मेरे को स्लॉट नहीं मिलता है सो हम इसे कैट भी पे गवर करेंगे बट इसका थर्ड पार्ट आएगा गाइस थैंक यू सो मच एंड यूज दिस एंड कल का इशू अगर मैं टाइम टेबल बताऊं बारह बजे हिंदू है कल एंड uh, शाम को पांच बजे मैं अकेडमी पे कोई क्लास लूंगा अभी मेरे को ये लिटरली नहीं पता मैं कौन सी लूंगा मैं चाह रहा हूं कोई बड़ा टॉपिक लू तो आर्ट एंड कल्चर का माइट भी सारे डांसेस सारी म्यूजिक सब को एक साथ लू एंड 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 सात बजे एथिक्स एंड रात को दस बजे कल हमारा एक टॉपिक आ रहा है राइट टू लाइफ राइट टू लाइफ ये राइट टू लाइफ मैंने उस दिन कहीं हिंदू में से उठाया था तो मेरे को हुआ ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस को मैंने भी से कवर नहीं किया था बहुत बड़ा है तो उसी तरीके से हम कवर करेंगे ठीक है सो बाय एंड यस मैं रस करने जा रहा सोने जा रहा हूँ बाय गाइज गुड नाइट चलो नहीं रात साहब अभी हम पूरे नवम्बर में रेस्ट नहीं लेने वाले बहुत सारा काम है नवम्बर में मैं एक भी दिन रेस्ट नहीं लूंगा आई विल टेक रेस्ट इन दिसंबर सो so, अभी जो बारह पंद्रह दिन है इसमें पूरा लग के काम करेंगे और तुम्हें भी लग के पढ़ाऊंगा मैं ठीक है छुट्टी नहीं देने वाला अभी मैं दिवाली थी यार तो दो दिन ऑलरेडी छुट्टी ले ली है